Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव है उसमें 7 चरण में मतदान होने वाला है। इस कड़ी में 7वें चरण के मतदान जो होने वाले हैं उसमें कई सारी हॉट सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो हो रही है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा से। जी हाँ, बात करें तो यहाँ पर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई यानी कि जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के पारसनाथ राय चुनावी मैदान में हैं। जब से अफजल अंसारी चुनाव मैदान में हैं लगातार उनकी चर्चाएं हो रही है। कभी वो नामांकन कर रहे हैं तो कभी अपनी नामांकन बेटी का करा दे रहे हैं। इस कड़ी में अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि साइकिल निशान से अफजल अंसारी चुनाव लड़ेंगे और अब जो है सारे कैंडिडेट्स को सिंबल्स भी मिल चुका है। इसके बाद अब अफजल अंसारी के लिए इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्तार अंसारी जिस तरीके से दुनिया को अलविदा कह गए, उसके बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अफजल अंसारी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अब बड़े भाई जो कई दफ़ा विधायक रह चुके हैं सिबकतुल्लाह अंसारी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सिबकतुल्लाह अंसारी अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कई दफ़ा जो हैं वो विधायक रह चुके हैं और अब अफजल अंसारी यानी कि अपने छोटे भाई को एक बार फिर से गाजीपुर के सांसद बनाने के लिए वो कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर सभाओं में अफजल अंसारी के पक्ष में मतदान करने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। वहीं बात करें तो उनके भतीजे यानी कि मनु अंसारी भी चुनावी मैदान में तो नहीं है, लेकिन अपने बड़े पापा को जिताने अपने चाचा को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी भी लगातार जो है क्षेत्र का दौरा करके अफजल अंसारी को एक बार फिर से जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर थी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी के बड़े भाई विधायक कई दफ़ा रह चुके सिबकतुल्लाह अंसारी भी अब चुनावी जंग में कूद गए हैं और अपने भाई को जिताने के लिए पूरा का पूरा जी जान लगाए हुए हैं। बाकी आपको क्या लगता है गाजीपुर सीट पर किस तरीके का मुकाबला होने वाला है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।